मेरा नाम डॉक्टर ज्ञानरंजन रोया, मैं सिसरो हॉस्पिटल पटना हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी का। आज मैं आपको बताना चाहूँगा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जब भी किसी आदमी को चोट लगती है, गिर जाता है, हाइट पर से गिर जाए, बाइक से गिर जाए या किसी भी कारण से ट्रॉमा होता है, उसके कारण स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो वर्टेब्रा होती है उसमें फ्रैक्चर होने के कारण स्पाइनल नर्व्स होती हैं उसके पीछे जो लगती हैं, जिसके कारण स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में अगर सर्वाइकल लेवल पर इंजरी होती है तो पेशेंट को क्वाड्रिप्लेजिया होता है। क्वाड्रिप्लेजिया में दोनों हाथ, दोनों पैर और गर्दन से नीचे जो सिस्टमेटिक ऑर्गन है वो भी स्लो हो जाते हैं और दोनों हाथ, दोनों पैर का मूवमेंट खत्म हो जाता है और सेंसेशन जो है छूने तक मरीज को पता नहीं चलता। उसी तरह अगर थोरेसिक लेवल और लंबर लेवल पर इंजरी होती है तो पेशेंट जनरली पैराप्लेजिक होता है, जिसमें दोनों पैर काम करना बंद कर देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जनरली क्वाड्रिप्लेजिया, पैराप्लेजिया ही के पेशेंट देखे जाते हैं। खासकर उन तरह के पेशेंट को पावर की कमी, मतलब ताकत की कमी होती है, सेंसेशन की कमी होती है और तीसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है ब्लैडर एंड बाउल का प्रॉब्लम। जनरली यूरिन पेशेंट खुद नहीं कर पाता है, उसका सेंसेशन उसके पास रहता नहीं है और स्टूल का भी प्रॉब्लम होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में फिजियोथेरेपी में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले तो हम लोग फिजियोथेरेपी में पेशेंट को प्रॉपरली असेस करना पड़ता है कि आखिर किस लेवल पर इंजरी है, जिसके लिए हम लोग एशिया और सिक का इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट्स में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसलिए हमको असेसमेंट लेना पड़ता है कि पेशेंट का जो है कहीं पे एडिमा तो है नहीं, कहीं उसको बेड सोर है कि नहीं, चूंकि प्रोलॉन्ग रेस्ट के कारण पेशेंट जो मूव नहीं कर पाता है उसके कारण उसको बैक में जो ब्रोनी प्रोमिनेंस होते हैं, जहाँ पे हड्डी निकली हुई रहती है जो बेड के कॉन्टेक्ट में आती है, उसमें बेड सोर होता है और बेड सोर होने के कारण पेशेंट बहुत तकलीफ में रहते हैं। बेड सोर एक ऐसा वुंड है, एक ऐसा घाव है जो कि जल्दी हीलअप नहीं होता है। तो हम लोगों को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में पेशेंट्स को बेड सोर नहीं हो, जनरली जो सर्वाइकल इंजरी करते हैं पेशेंट उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होता है, जिसके कारण कफ एक्युमुलेशन हो जाता है उनके लंग्स में, तो हमको बराबर उस पेशेंट का केयरिंग करना पड़ता है, एचएस फिजियोथेरेपी देनी पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी होती है, जिसमें पेशेंट क्वाड्रिप्लेजिक होता है। उसका एक जीता जाता है उदाहरण है नरेश सैनी, जो आज से 1.5 महीना पहले बाइक से गिरे थे और उनको सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी हुई थी, जिसके कारण इनका दोनों हाथ, दोनों पैर काम करना बंद कर दिया था, पैर हाथ में सेंसेशन कम थे, यूरिन और ब्लैडर एंड बाउल प्रॉब्लम था। एक सवा महीना हुआ है गिरने के बाद, और फिजियोथेरेपी में इनका 20 से 25 दिन हुआ होगा। आप देख सकते हैं जिस पेशेंट के पास हाथ में कोई पावर नहीं थी, वो खुद अपना हाथ ऊपर उठाएगा, उठा के दिखाइए हाथ ऊपर, हाँ फिर नीचे उठ कीजिए, हाथ बाहर निकालिए, ठीक है देखिए। फिर ये पेशेंट जो है अपने ही से अपने पैर का हर मूवमेंट कर सकता है, पैर का मूवमेंट करते दिखाइए, पैर ऊपर कीजिए, हाँ ये जो आप जर्की मूवमेंट देख रहे हैं, ये जनरली फिजियोथेरेपी में स्पास्टिसिटी विथ क्लोनस है, जो कि जनरली टाइटनेस के कारण होता है, जिसके लिए हम लोग रिफ्लेक्स चेक करते हैं। आप देखोगे कि जनरली नॉर्मल रिफ्लेक्स से ज्यादा इसका रिफ्लेक्स बड़ा हुआ होगा, हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा। हल्का ही क्लिक करने पर यह बहुत तेज है, तो यह हाइपर रिफ्लेक्सिया है, जो कि ये बताता है कि पेशेंट स्पास्टिक था और इसको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन था। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में जनरली बॉडी थोड़ा टाइट हो जाता है, जिसको स्पास्टिसिटी कहते हैं, और पेशेंट के रिफ्लेक्स इंक्रीज कर जाते हैं, मसल्स वेस्टिंग नहीं होती। आप देखेंगे जैसे इसके पैर में, उसी कारण किसी भी तरह का मसल्स वेस्टिंग नहीं है। पेशेंट आज के डेट में इंडिपेंडेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन मिनिमम असिस्टेंस के साथ वॉक कर सकता है और वॉकिंग एड के साथ अभी एक डेढ़ महीने के अंदर पेशेंट धीरे धीरे पूरी तरह से वॉक करेगा। अभी पेशेंट का नॉर्मल सेंसेशन है, नॉर्मल पावर आ चुका है, सिर्फ जो स्पास्टिसिटी है उसके वजह से इसको चलने में दिक्कत हो रही है, और जो थोड़ा सा इनका रिकवरी बचा हुआ है, जो थोड़ा टाइम टेकिंग है, वो फिंगर फ्लेक्शन कम हो गया। फिंगर फ्लेक्शन नहीं है, एक हाथ में ज्यादा है, जो फिस्ट ये बांध नहीं सकते हैं, जिसके कारण ये दिक्कत हो रही है। अब पेशेंट आपको खड़ा होकर के थोड़ा सा मूव करके दिखाएगा, खड़े होकर के इसमें मूव करके इसी जगह इसको पकड़ करके मूव कीजिएगा, ठीक है। सानी है, मोतिहारी जिला के रहने वाले हैं। बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, जो हाथ पैर दोनों काम नहीं कर रहा था मेरा, तो सिसरो हॉस्पिटल में आए,
तो 15 से 20 दिन में मेरा हाथ पैर सब चलने लगा। ये पेशेंट जो आप देख रहे हैं नरेश सैनी, इसका सर्वाइकल कॉर्ड लेवल C7 था और ये कंप्लीट इंजरी था। जनरली कंप्लीट इंजरी के पेशेंट्स आप आफ्टर ऑपरेशन या किसी भी तरह से फिजियोथेरेपी से भी रिकवर नहीं होता है, लेकिन आपके साथ एग्जांपल है कि एशिया ए स्केल का पेशेंट 20 से 25 दिन में अपने पैर पर मूव कर पा रहा है, ठीक है। और इसमें फिजियोथेरेपी के बहुत सारे चीज़ें जो कि हम लोग करते हैं। इनिशियल इसके हाथ में या पैर में कोई पावर नहीं था, तो हम लोगों ने शुरुआत में इसको पैसिव मूवमेंट रेंज ऑफ मोशन PROM जो होते हैं उसको दिया, कुछ रिपीटेशन करके हम लोगों ने इसके टाइट मसल्स में थोड़ा सा MFR मायोफेशियल रिलीज टेक्निक का इस्तेमाल किया टाइटनेस को रिड्यूस करने के लिए। फिंगर डेक्सट्रिसी एक्सरसाइजेज कराई, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज उनके हाथ पे होना, डिफरेंट पोजिशनिंग करना, क्वाडिपोड नीलिंग ये सब में करना, फिर उनको गेट ट्रेनिंग देना, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि हम लोग, जैसे कि सेंसरी इंटीग्रेशन होता है जिसके कारण उनके सेंसर्स को इम्प्रूव किया जाता है।